हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, तो अभी अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ एंड अभी बज रहे हैं 3:30। आज बहुत लेट नहाई हूँ। एक्चुअली लेट नहाने का मोटिव ये था क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने बोला दी, सब लोग जो है आई वेंट टू वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट वाला वीडियो आप भी बनाओ करके। तो मेरा कोई प्लान नहीं था वैसे करने का क्योंकि बच्चों के साथ मुझे वो पार्लर ढूंढना वो सब पॉसिबल नहीं था। तो मेरी नज़र में जो एक पार्लर था मैंने उनको फ़ोन किया एंड मतलब मैं उधर करवाती नहीं हूँ बट नंबर था एक मोबाइल में, ढूंढा तो मिला। तो उन्होंने बोला हाँ करती हूँ करके। बट इससे पहले जब मैं उनके एक बार पार्लर में गई थी तो उन्होंने आईब्रो वाइब्रो भी ठीक से नहीं करी थी और फेशियल कराया था मैंने एक बार, मेकअप तो कभी करवाया नहीं है उनके पार्लर में। मेरे को इनके इतने सारे आइटम भी कभी दिखे नहीं है बट हु नोस, क्या मालूम उनके पास मेकअप स्किल्स अच्छे हों। सो आई हैव टू ट्राई। इससे पहले आपने मेरा प्रोफेशनल मेकअप तो देख ही रखा है और अब मैं करवाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं अभी नहाई हूँ, मैंने सोचा मेकअप करवाने से पहले नहा के जाते, थोड़ा फ्रेश व्रेश रहेगा, स्किन पे भी कुछ लगाया नहीं होगा एंड वैसे भी काम करते करते आज सुबह से लेट हो गया तो मुझसे हुआ नहीं। तो अभी मैंने नहाया है एंड अभी मैं पार्लर जा रही हूँ बच्चों को ले के। सो मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया, ओनली ये काजल की बिंदी लगा दी, बिंदी भी नहीं चिपकाई। मैंने बोला चलो उनको बता देंगे। एक फ़ोटो है जो मैंने क्या बोलते हैं खींच के रखी है, इसमें वो स्नैपशॉट मैं ऐड करूँगी। वैसा वाला आई मेकअप मेरे को चाहिए क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ब्लू कलर की साड़ी जो है वो पहनूँ। सो ब्लू कलर का एक कुर्ता है तो डाइवर्ट ना, इसलिए मैंने यही वाला कुर्ता पहन लिया। सो अभी बिना मेकअप के फेस ऐसा दिख रहा है एंड टाइटल के हिसाब से आई वेंट टू वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट के पास चलते हैं। अब वो वर्स्ट करते हैं या बेस्ट करते हैं वो तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेट्स गो एंड वॉच इट। चलिए चलते हैं। तो एक मैं बात बताना भूल गई, तो जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, एक दो लोगों ने किया था, तो उनमें से एक का मुझे मैसेज याद है, नाम याद नहीं है। मैंने उनका स्क्रीनशॉट लेके रखा था लेकिन वो डिलीट हो गया। तो उन्होंने बोला था कि आप अगर वो करते हैं तो मैं अपनी मम्मी को दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, पता नहीं किसने किया था कि मेरी रिक्वेस्ट पे जो है स्वाति जी ने वीडियो बनाया करके। सो जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था उन सबके रिक्वेस्ट पे कर रही हूँ। तो ये मम्मी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो याद रह गया इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। चलिए चलते हैं। हाँ ओके वेरी गुड। ఇప్పుడు ఆ పార్లర్ కాదు, గర్ల్ ఫ్రెండ్ యు గాట్ టు లెర్న్ టు ఫైట్, గర్ల్ ఫ్రెండ్ యు గాట్ టు గెట్ ఇట్ రైట్, కీప్ యువర్ ఐస్ ఆన్ ద ప్రైస్, గర్ల్ ఫ్రెండ్ యు గాట్ టు గెట్ ఇట్ రైట్, యు గాట్ టు వాంట్ ఇట్ విత్ ఆల్ యువర్ మైండ్, గర్ల్ ఫ్రెండ్ యు గాట్ టు లెర్న్ టు ఫైట్, ఐ నో యు గాట్ టు బి ఆల్ రైట్, యు వాంట్ టు మేక్ యువర్ వే ఇన్ దిస్ క్రేజీ వరల్డ్, స్టెప్ అప్ గర్ల్ యు గాట్ వాట్ ఇట్ టేక్స్, దే ఆల్వేస్ సే డోంట్ మేక్ వేస్, డోంట్ యు లిసన్. अभी मैं पार्लर में पहुंच चुकी हूं एंड इनके पास यही मेकअप आइटम है जो आपको ऑनलाइन में ये बहुत ही सस्ते में 150, 200, 130 ऐसे में मिल जाता है। तो अभी ये यही यूज़ करने वाले थे, मैं तो कुछ ज़्यादा ही चौंक गई। मैंने बोला मिनिमम तो शायद, क्योंकि फ़ोन में जिस तरह से इन्होंने बात करी थी मैं तो सोच रही थी होंगे कुछ आइटम। तो इन्होंने जो निकाले वो तो ऐसे थे, मैंने इनको फ़ोटो भी दिखाई कि मेरे को ऐसा चाहिए करके। तो इन्होंने बोला ऐसा तो मैं नहीं कर सकती करके, उन्होंने बोला ब्लू कलर का मेकअप तो कोई लगवाता ही नहीं है। मैंने बोला मैं लगवाना चाह रही हूँ ना तो आप उसको कर देना करके।
तो इन्होंने जो है यहाँ पे पहले बैंड लगा दिया, मतलब सब कुछ मैं बोल रही थी ये दे दो वो दे दो, तब वो लगा रहे थे। तो फिर मैंने बोला ज्वेलरी निकाल दूँ, तो बोला इन्होंने हाँ निकाल दो करके, तो कान के निकाल दिए मैंने, और अभी जो है चेन निकाल रही हूँ अपनी। सबसे पहले जो है उन्होंने मेरे आईब्रो करने के लिए पाउडर लगा दिया आईब्रो पे एंड अपर लिप्स पे, तो मैंने सोचा ये भी मेकअप के अंदर ही वो कवर कर लेंगे, लेकिन इनके इस चीज़ के उन्होंने सेपरेट चार्जेस लगाए, वो इतना तो रेट ले ही रहे हैं तो इसमें हो जाएगा शायद। तो आईब्रो पहले बनाई, एंड आईब्रो पिछली बार भी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इन्होंने हमेशा जो है थोड़ा ख़राब कर देती हैं, और मैं इनके पास मैंने 2 साल पहले एक बार कराया था आईब्रो बस, और कुछ भी नहीं कराया था, फेशियल कराया था। तो इन्होंने जो एक आईब्रो ठीक करी एंड दूसरी आईब्रो जो है साइड से उड़ा दी, एंड मैंने बोला देखो क्या कर दिया आपने, इतना सारा निकाल दिया ये, तो बोलते नहीं ठीक ही है ठीक ही है ठीक ही है, पेंसिल से कवर कर। मैं पेंसिल से तो अभी कवर कर लेंगे, लेकिन बाद में क्या, जब नेचुरली हम लोग मेकअप नहीं करते तब तो और दिख रहा है ना, उतना चलता है करके, मतलब जो चीज़ें सेंटेंसेस मेरे डायलॉग होने चाहिए थे वो उनके डायलॉग हो रहे थे। उसके बाद अपर लिप यहाँ पे चालू हुआ, तो अपर लिप तो एकदम मतलब बहुत ही ख़तरनाक वाली चीज़ है, बहुत दर्द होता है बाप रे, इसलिए मैं बहुत रेगुलरली नहीं कराती हूँ, अपने आप ही कर लेती हूँ, घर पे अपने आप से करती हूँ तो मुझे इतना दर्द नहीं होता है, डर बोल रही थी। तो उसके बाद उन्होंने फेस पे थोड़ा पानी लगाया एंड उसके बाद जो है क्लिनसिंग कर रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग का पार्ट जो है ओनली वही मेरे को थोड़ा प्रॉपर लगा कि मेकअप करने से पहले ये थोड़ी केयर लेनी होती है, उनको थोड़ा सा मालूम है, तो उन्होंने जो है इधर क्लिनसिंग कर दी अच्छे से, तो जो भी डर्ट वर्ट होता है मेकअप से पहले वो सब निकल जाता है। एंड उसके बाद स्पॉन्ज से पोंछा, सही में पोंछा ही है, क्योंकि स्पॉन्ज देखो कितना काला हो चुका है, सब पे एक ही स्पॉन्ज यूज़ कर करके, थोड़ा गर्म पानी में रखने से, थोड़ा विनेगर डाल के रखने से वो क्लीन हो जाते, इतने काले नहीं रहते। एंड ये पुराना सा टवल था, तो ये एक यहाँ पे अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने एकदम घसड़ घसड़ के साफ़ नहीं किया, टैप टैप करके ही साफ़ किया उसको, तो प्रोसीजर सही था लेकिन थोड़ा हाइजीन की थोड़ी कटौती थी। एंड यहाँ पे अभी जो है मॉइस्चराइज कर रहे हैं, नीविया का मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, तो मैं बीच बीच में एक एक बार पूछ रही थी कि कौन सा लगा रहे हो, तो वो मतलब डाउट में आ रही थी कि मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्यों मैम ऐसे इतने बार क्यों पूछ रही हूँ मैडम, मैं अच्छे ही लगाती हूँ करके वो थोड़ा सा फील हो रही थी। फिर मैंने उसके बाद पूछा ही नहीं, मैंने बोला होंठ भी सूख रहे, क्योंकि घर से भी मैंने लिप बाम नहीं लगाया था, तो उन्होंने ये जो 20 रुपये का 15 रुपये का लिप बाम आता है ये जो, ये लगाया, एंड ये ख़तरनाक कलर है इसका देखो तो लगाने के बाद मैं ही देख के थोड़े एक्सप्रेशंस मेरे भी निकल गए बाहर एंड अभी जो है वो प्राइमर लगा रहे हैं, एंड प्राइमर जो नीचे गिर गया, एंड उन्होंने नीचे से उठा के मेरे फेस पे लगा दिया, मैंने बोला नीचे से क्यों उठा दिया, तो बोलते नीचे से नहीं मैडम साड़ी पे गिरा था करके बोलने लगे, लेकिन मुझे तो लगा नीचे ही गिरा था। एंड अब लग रहा है फाउंडेशन, जिसका कलर मेरे स्किन टोन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, एंड मैंने बोला कि ये तो कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद हो जाएगा, तो बोलती नहीं मैडम ये पिंक कलर में आएगा ये फाउंडेशन, मैं फाउंडेशन में पिंक कलर भी होता है, वाओ। सो अभी देखो ये पिंक लग रहा है आपको, सफ़ेद लग रहा है, क्या लग रहा है बताओ। और बीच बीच में बता रही हूँ यहाँ नहीं लगा वहाँ नहीं लगा, मैं कंटिन्यूसली बता ही रही थी। एक और अच्छी चीज़ कि उन्होंने कानों को भी कवर किया, लेकिन गले का पोर्शन जो अपनी नली गले वाली नली है ना उसी पे लगाया, उसके चारों तरफ नहीं लगाया। एंड देखो कितना अच्छी तरह ब्लेंड हो गया है मेरे स्किन में ये फाउंडेशन, कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है मेरे स्किन टोन से, है ना। तो बीच बीच में जो है मैं अपने आप को देख के मैं ही परेशान थी कि मैं क्या एक्सप्रेशन दूँ या क्या थॉट्स है इसके ऊपर मेरे, बस देख के मैं चुप थी। अभी वो ब्यूटी ब्लेंडर जो है गीला करके लेके आई हैं, एंड उन्होंने फिर जो है जो एक्सेस था वो निकाल दिया, यहाँ पे कंसीलर लगा रही हैं। मैंने पूछा कौन सी कंपनी का है, तो उनको नहीं मालूम था, देख के बताती हूँ बोला, प्राइमर भी मैंने पूछा तो बोलते नहीं बताती हूँ देख के बताती हूँ, मतलब जो सस्ते में आ रहा होगा मार्केट में सब खरीद के आके रख लिया है, नाम भी नहीं मालूम है उन चीज़ों के। एंड अभी यहाँ पे मिस क्लेयर का ये कॉम्पैक्ट है, क्योंकि मैं उनसे पूछा नहीं था, मैंने डब्बा जो रखा हुआ था तब मैंने देखा था, वो मुझे याद रह गया। एंड अभी कॉम्पैक्ट लग चुका है, एंड अभी जग जो है देख रहा है आके। एंड यहाँ पे फिर जो है आईब्रो पेंसिल लगा रही हैं, एंड यहाँ आईब्रो पेंसिल में भी एक बार जब उन्होंने लगाया तो एक डार्क होगी एक हल्की होगी, फिर मुझे फिर वो रेक्टिफाई करना पड़ा,
और मैंने बोला कि ऐसा हो गया करके, फिर उन्होंने बोला नहीं ठीक ही लग रहा है। मतलब ये क्यों नहीं एग्री करते मेरे को समझ में नहीं आता। पार्लर वालों को आप कुछ भी सलाह दोगे ना, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो सोचेंगे हम तो ब्यूटी के पंडित बैठे हैं यहाँ पे, ये करवाने आए हैं, इनको क्या मालूम है। तो आईब्रो हो गई और ऊपर से थोड़ी सी जो है आईब्रो पेंसिल की एक और लकीर भी निकल चुकी है। एंड यहाँ पे अभी इन्होंने आई मेकअप शुरू किया है। एंड आई मेकअप का तो जवाब नहीं कि उन्होंने मेरे आंखों के ऊपर आज तक बचपन से जो पेंटिंग नहीं करी थी उन्होंने कर ली। मैंने बोला कि आप बोल रहे थे ना आप इतना अच्छा नहीं कर सकते तो आप टेप लगा देते, नहीं मैं मैनेज कर लूँगी करके उन्होंने बोला। और देखो कहीं हल्का है, कहीं डार्क है, कहीं कुछ है। एंड ऊपर उसको कवर करने से पहले वो ब्लू कवर पूरा कवर बोल रहे कलर पूरा लगा नहीं था, उससे पहले वो हाइलाइटर यहाँ आईब्रो के नीचे लगा रहे हैं। तो ये नॉलेज है कि उनको लगाते हैं करके। एंड फिर मैंने बोला उनको कि आंखों के साइड में कॉर्नर्स में कवर नहीं हुआ है। एंड जो मैंने फ़ोटो दिखाई थी उसके आसपास तो आओ करके थोड़ा बोला, तो गोल्डन कलर उन्होंने लगाया लेकिन उसका भी कुछ अता पता नहीं। फिर मैंने बोला उसका जो आपने गोल्डन कलर लगाया उसकी पहले उन्होंने एक मैंने बोला उसको एक स्लोप में लाओ जैसे आपने वो एंगल लेके आया है, और उन्होंने ऊपर एक और गोल्डन कलर की आंख बना दी। मैंने बोला अच्छा नहीं लग रहा है, उसको ब्लेंड कर दो आप। तो उन्होंने जो है फिर से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया और उसको फिर इसी कलर से ब्लू कलर से कवर करने की कोशिश करी लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। तो इसमें लगाया गोल्डन है और इसमें नहीं लगाया, तो एक आंख में जो है मेरे दो कलर है और एक आंख में ओनली एक ही कलर है। उसके बाद आ गई बारी आईलाइनर की। एंड आईलाइनर ये इतना सूखा हुआ था कि आंखों के ऊपर ब्रश चल ही नहीं रहा था। नहीं खिसकूंगा मैं, नहीं खिसकूंगा बोला था। तो लगने के बाद जो है मैं ऊपर मैंने बोला मेरे को ना थोड़ा विंग आईलाइनर चाहिए। मैं विंग क्या होता है मैडम बोलने लगे वो। मैं वो विंग मतलब जो आंखों से क्रॉस होके थोड़ा क्रॉस टाइप में निकलता है ना, अब मैं भी क्या एक्सप्लेन करूं। एंड देखो आप कभी कभी पूरा ग्रे दिख रहा था ना, कभी लाइटिंग की वजह से आपको फेस अलग दिख रहा है एंड अदरवाइज पूरा ग्रे दिख रहा है। और वो मैंने विंग जो बोला उसका तो पता नहीं कहां का क्या हो गया, दो एक आंख में दो विंग बन गए। फिर उसको सही करने के लिए उन्होंने बोला मिटा देती हूँ, फिर मैंने मना किया। इस तरह से उस दो विंग को एक करने के लिए जो है फिर थोड़ा और मोटा करना पड़ा। एंड यहाँ पर अभी लग रहा है मस्कारा। एंड फिर मैंने नीचे लगाने के लिए भी बोला था तो उन्होंने नीचे नहीं, नीचे तो काजल लगता है बस काफ़ी है, मैं अपन नीचे भी लगाते हैं मैडम जी लगा दो आप। तो वो लगाने लगी तो वो इतना परफेक्टली नहीं लगा रहे थे तो मुझे डर लग रहा था। मैंने आंखें देखो कैसी लग रही, ऐसे बहने के तरह रखी है मैंने आंखें, मुझे डर लग रहा था कहीं चुभ ना जाए वो करके। एक्सप्रेशन देना भी मुश्किल हो रहा है कि कहीं वो बुरा ना मान जाए देख के। अब आ गई है बारी किसकी, लिप लाइनर की। एंड ये लिप लाइनर तो बिल्कुल लगा ही नहीं ढंग से, कोई बॉर्डर नहीं कोई कुछ नहीं। एंड काजल लगाना वो भूल चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हैं जो मैंने उनको बाद में याद दिलाई है, तो बाद में लगा रही थी वो। तो अभी ये जो लाइनर लगाया है मैंने उनको पहले ही बोला था क्योंकि मेरी साड़ी जो है ब्लू कलर की है, डार्क ब्लू कलर की, इसलिए लिपस्टिक भी डार्क होनी चाहिए, डार्क मरून या ऐसे कुछ। तो ये लगाए थे तो बहुत ही लाइट हो गया। मैंने बोला इसको मिटा दो आप, तो बोला उन्होंने लो आप ही मिटा लो करके। फिर मैंने मिटा दिया। उसके बाद जो है अभी दूसरा उन्होंने लाइनर लगाया थोड़ा डार्क वाला। वो लाइनर देखो आपने कैसे लगाया, मेरे को तो ऐसा साइड का देखो इतनी जल्दी, अदरवाइज़ हमको मेकअप रिमूवर लेना पड़ता है पूरा कुछ निकालने के लिए। एंड मैंने कॉटन से पोंछा है, वो कॉटन गीला भी नहीं था, ड्राई कॉटन से भी साइड का मेकअप माउथ के अराउंड वाला भी निकल गया। एंड ये लाइनर देखो उन्होंने होंठों के बीच में से लगा रखा है और बोला है कि ऐसे ही लगाते हैं लाइनर। मेरे को तो एक एक बार रोना आ रहा था, मैं वो क्या है यार। एंड अभी वो लिपस्टिक लगा रहे हैं तो उनसे नहीं लगी और अभी मैं अपने आप ही लगा रही हूँ खुद से, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू कवर द कॉर्नर्स या जो भी एजेस है वो नहीं कर पा रहे थे। एंड अभी काजल लग रहा है तो मैंने बोला था लगाओ इसलिए वो लगा रहे हैं, अदरवाइज जो अभी लगाया वो भी ना के बराबर है। फिर मैंने खुद से भी लगा लिया था बाद में, और अगर कुछ जो बाहर निकल गया उसको पोंछने की कोशिश कर रहे थे तो पूरा फैल जाता, इसलिए मैंने कुछ पोंछा नहीं उसमें, नहीं तो पोछा ही लग जाता पूरे मुंह पे। एंड फिर मैं बोला थोड़ा टचअप दे दो क्योंकि आपने हाथ वाथ लगाया है ना तो वो फिर अलग अलग पैची पैची में दिख रहा है। तो मैं उनको यही बोल रही हूँ गला और ये मैच नहीं कर रहे, बोलते नहीं मैच कर रहा है अच्छी तरह मैच कर रहा है। मैं बोला देखो ना आप ऊपर गला से ऊपर मुँह अलग दिख रहा है और जो गला है वो अलग दिख रहा है। तो फिर उन्होंने बोलने के बाद थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाया
एंड उसके बाद मैंने बोला ब्लश नहीं लगाओगे? बोलते ब्लश लगाते हैं क्या, लगाना है क्या आपको? मैं बोला हाँ लगाना है, अब मेकअप करा रही तो लगाना है। तो बोलते लो खुद ही लगा लो करके कुछ निकाल के दिया। पहले मैं हल्का कलर लगा रही थी, मैं वो अच्छा है ये सटल सा कलर है। तो उन्होंने बोला नहीं ब्लश लगा रहे हो ना तो ये वाला कलर लगाओ। तो ये वाला कलर कौन सा है मालूम है? ये है, ये भयंकर कलर है एकदम जोकर लग रही हूँ मैं अभी यहाँ पे। फिर मैंने जो है उसको ब्रश से जा नहीं रहा था, फिर हाथ से उसको पोंछ दिया, थोड़ा ब्लेंड कर दिया तो वो मिल गया, फिर ठीक हो गया थोड़ा। तो ऐसे एडजस्टमेंट लाइफ में भी करने पड़ते हैं एंड मेकअप में भी करने पड़ते हैं। एंड फाइनली फिर मैंने सेटिंग स्प्रे मांगा तो उन्होंने बोला सेटिंग स्प्रे अभी करोगे? मैं वो हाँ मेकअप अभी किया है तो अभी करूँगी ना धो धो करके। तब उन्होंने निकाल के दिया वो मेकअप सेटिंग स्प्रे था कि क्या था पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं, बस स्प्रे कर दिया। एंड उसके बाद बिंदी भी उन्होंने नहीं दी थी, उन्होंने बोला कि बिंदी जो है आप अब घर जाके लगा लेना। मैं वो मेरे पास नहीं है, आपके पास तो होगी ना, मेरे पास तो नॉर्मल बिंदी है। तब जाके उन्होंने बिंदी बिंदी दी है। एंड आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो मेरा मेकअप हो चुका है, अभी कैमरा में तो मेरे को ठीक दिख रहा है लेकिन जब मैं लाइव देख रही हूँ तो पूरा ग्रे ग्रे सा लग रहा है। गाने पहले लगा दे रहा है, ऐसे देखने में तो ठीक ही लग रहा है लेकिन काजल ढंग से नहीं लगाया है और आईलाइनर भी थोड़ा आगे पीछे हो रखा है। देखो नज़दीक से दिखाऊंगी तो लिप वो जो है लिप लाइनर भी ठीक से। चलो घर जाके बात करती हूँ आपसे। सो फाइनली अभी मैं घर आ चुकी हूँ। अभी देखो आप कैसा लग रहा है मेकअप, गला एंड फेस तो मैच हो ही नहीं रहा है एंड माउथ के अराउंड यहाँ पे जो ब्लैकनेस है वो भी कवर नहीं हुई है एंड आई का जो मेकअप है यहाँ कॉर्नर तक तो गया ही नहीं है, वो इसमें तो यहाँ फैल चुका है, ये देखो इस तरह से। एंड आईलाइनर भी ठीक से नहीं लगा है तो ओनली मुझे क्या ठीक लगा, क्योंकि उनसे खुद से काजल भी नहीं लगा पाए वो, ना लिपस्टिक लगा पाए ना ब्लश लगा पाए, बोलते आप ही लगा लो मुझे नहीं आता है करके। एंड जो पहले उन्होंने लिपस्टिक लगाई थी वो भी फैल चुकी थी, उसको पोंछने के बाद जो है यहाँ पे देखिए मेकअप उतर गया एंड वो कवर भी नहीं किया उन्होंने बाद में। ओनली मेरे को ठीक एक ही चीज़ लगा यहाँ पे कि उन्होंने मेकअप करने से पहले जो है मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर लगाया था एंड मेकअप को ब्लेंड करने के लिए पहले ब्रश एंड उसके बाद जो है ब्यूटी स्पॉन्ज यूज़ किया था, अदरवाइज़ मेकअप एकदम सफ़ेद ही हो चुका है। देखो मेरा हाथ का कलर देखो आप, ये देखो एंड ये मेरा मेकअप है, कैसा लग रहा है। सो उनके पास तो कहीं आइटम नहीं थे, मैंने उनको बोला कि लोअर लैश में लगाओ आप मस्कारा, तो नहीं वहाँ पे ज़रूरत नहीं काजल लगा देंगे नहीं कभी, मैं नीचे भी तो लगाते हैं करके आई वॉज टेलिंग हर, तो बोलते लगा देती हूँ, क्या उनको लगाना भी नहीं आता, मुझे लग रहा था कि आंखों में दे देंगे वो। बट रेट मेरे को लग रहा है इस चीज़ के लिए उन्होंने जो भी लोकल आइटम यूज़ करें वही हर किसी पे यूज़ करें वही आइटम मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, क्योंकि मैं आने वाली थी करके कवर में वो जो 150 रुपये का जो पैलेट आता है वो कुछ लेके आई थी उसके लिए मेकअप करने के लिए वो। एंड लिपस्टिक्स भी कुछ भी नहीं थी, सब पे यूज़ करी हुई थी। एंड फिर मैंने बोलने के बावजूद उन्होंने एक पता नहीं कहाँ से निकाली वो ये वाली है एंड देखो यहाँ से भी निकली हुई है एंड यहाँ से भी कर नहीं आया। और वो लाइनर बना रहे थे तो जो होठों का जो एज है वहाँ तक लगा ही नहीं रहे थे, बोलते नहीं मैडम लाइनर ऐसे ही लगाते हैं वो। अच्छा ठीक है, सो दिस इज़ माई मेकअप। कैसा लगा आपको? मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो आदित्य वहाँ पे मुझे बोल रहा था मम्मी बहुत डार्क लग रही है, तो आपको भी कैमरे में ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है लेकिन शीशे में देखो
तो आपको अभी कैमरे में कैसा दिख रहा है? थोड़ा ठीक ही दिख रहा होगा क्योंकि मुझे फ़ोन में तो ठीक ही दिख रहा है, गला और मुंह मैच नहीं कर रहा है, बट शीशे में मुझे अजीब सा ही दिख रहा है। एनीवेज, बिकॉज इट वॉज़ फॉर फन, तो फ़न के लिए कराया, लेकिन फ़न के लिए पैसे भी ज़्यादा लगे उन्होंने जो है इसको करने के लिए, क्या नाम है, 600 रुपये लिए हैं। मैं क्या बोलते हैं, आईब्रो का अलग एंड अपर लिप का अलग, फोरहेड का अलग एंड मेकअप का 500 लिया है, तो पूरा मिला के 600 में देके आई हूँ। सो दिस इज़ द मेकअप, सफ़ेदी की चमकार हो चुके हैं हम। सो जिसने बोला था मैंने उनकी मुराद पूरी कर दी, इसलिए मैं पैसे भी खर्चे हैं आपके लिए, मेहनत करके मैं पार्लर भी गई हूँ और करवाया भी है, तो एक लाइक ज़रूर चिपकाइएगा, अपने भर भर के कमेंट्स जो है कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत बुरा भी नहीं था, क्योंकि वो लोग रेगुलरली इतना मेकअप नहीं करते हैं जो छोटे पार्लर्स वाले होते हैं, तो इसलिए परफेक्शन की थोड़ी कमी तो रहेगी। जो प्रोफेशनल होते हैं उनका तो फट 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 रोज़ाना वही काम होता है, तो दे आर एक्सपर्ट इन दैट, लेकिन अभी छोटे पार्लर में ना तो उनके पास आइटम्स होते हैं एंड जो होते हैं थोड़े बहुत उनको प्रॉपरली यूज़ करना भी नहीं आता है। सो ऐसे अगर हम जैसे लोग थोड़ा 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 कराते रहेंगे तो उनको भी लगेगा अच्छा लोग करा रहे हैं। अभी मान लीजिए मैं इस मेकअप को करके कहीं बाहर जाती हूँ, तो मतलब कोई फंक्शन में जाती हूँ, तो पीपल विल आस्क ना कहाँ से कराया है, कैसे कराया है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो अगर किसी को अच्छा लगता है तो हम बता सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, तो अगर वो रेगुलरली करते रहेंगे तो उनमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इस तरह से जो है करते करते कोई भी एक्सपर्ट हो जाता है ना, पहले तो मेरे को ये करना भी नहीं आता था, अभी थोड़ा बहुत करना आता है, सो सीखते सीखते ही कोई सीखता है ना। सो अभी जब कंटिन्यूसली देख रही हूँ तो थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, ओनली आई मेकअप मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअली मैंने आके सोचा था साड़ी वाड़ी पहन में मत नहीं रहन दो, अभी हो गया बस आज के लिए, वहाँ तो मैंने उनको बोला था साड़ी मैं बाद में पहन लूँगी करके, बट मैं अपने आप जो है टचअप दे रही हूँ, कहीं कहीं जो खाली है ऐसे लगा रही हूँ, और मैंने किसी को पप्पी दे दी ना अभी बच्चों को, तो स्टैंप लग जाएगा उनका क्योंकि ये बहुत ट्रांसफरेबल है, तो उनसे ये भी नहीं लग रहा था, लिपस्टिक भी नहीं लग रही थी, फिर उन्होंने जो है निविया के फिर होंठों पे क्रीम लगाई और फिर जो है फिर लिपस्टिक लगाई, तो ये है मेकअप। स्वाति स्वाति लग रही है कि कोई और लग रही है? चलिए मेरे को तो मज़ा आया, और मैं ही बेशक वो ख़राब भी कर रही थी, बट आई वॉज़ ट्राइंग टू रेक्टिफाई हर, मैं कुछ चीज़ें ठीक करती जा रही थी, उनको बता रही थी ये टेढ़ा आया है, ये ऐसा आया है, ये वहाँ से निकल गया, उसको पोछो उसको लगाओ करके, तो इसलिए थोड़ा बहुत अभी आपको ठीक दे रहा। पहले आईलाइनर अलग ही हो गया था, कुछ अलग था, फिर मैंने बोला इसको मिटा देती हूँ, बोले मैं मिटाने से फिर फाउंडेशन और सब भर जाएगा, इसी को ऐसे कवर कर दो करके बोला, तो ये हुआ है। सो दिस वॉज़ माय आई वेंट टू वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर चिपकाइएगा एंड भर भर के देख के इसको शेयर पक्का करो यार, हाँ एंड सब्सक्राइब कर लो, आपकी रिक्वेस्ट मैं देख रहे हो ना आप कैसे पूरी कर रही हूँ, तो अपनी रिक्वेस्ट दिमाग में सोचो और कमेंट्स में लिखो, मैं पूरी करते जाऊँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय पपी।